हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेकेंड का प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन ये आपको पढ़ाएंगे, जो आपको पेज नंबर 31, पेज नंबर आपका 31, 32, 33 ये आपको मिलेगा। देखिए सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ लिया है, अब प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आप फॉलो करते हुए आप बहुत जल्दी आसानी से जो है किसी नंबर में से कोई दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला प्रॉपर्टी जो है आपका किसी भी नंबर में से, यहां भी लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, वेन वी सब्ट्रैक्ट नथिंग आर जीरो, मतलब किसी भी नंबर में से जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द डिफरेंस इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो हमेशा जो है वही नंबर डिफरेंस के रूप में आपको मिलता है। जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, छोटे नंबर से शुरू करेंगे माइनस जीरो, तो आपका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो हमेशा जो है एक सेट मतलब यही नंबर ही आएगा 4। ठीक है, अब कोई भी आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 25 माइनस जीरो, तो आंसर आपको 45 मिलेगा। और इससे बड़ा नंबर ले लेंगे तब भी आपको डिफरेंस जो मिलेगा 250 मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि जीरो का जीरो प्रॉपर्टी क्या है सब्ट्रैक्शन में, किसी भी नंबर में से जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो यह नंबर ही आता है इटसेल्फ, मतलब यही नंबर आता है जिसमें से हम जीरो को माइनस करेंगे वही नंबर आपका आंसर आएगा। देखिए 4 माइनस जीरो 4, 25 माइनस जीरो 25, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 250 माइनस जीरो 250, ये जो है प्रॉपर्टी आप जीरो है सब्ट्रैक्शन के लिए। आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर में से यदि जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंस जो आता है इटसेल्फ मतलब वही नंबर आता है। ठीक है, आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर में से इटसेल्फ वही नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका डिफरेंस आता है वो जीरो आता है। देखिए व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, जब हम किसी भी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो, तो हमेशा डिफरेंस जो आता है आपका जीरो आता है। आइए एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे जो है जीरो आ रहा है। देखिए अभी बोला गया कि कोई भी नंबर, जैसे हम मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 में से इटसेल्फ मतलब यही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर जीरो है, 5 माइनस 5 इक्वल जीरो। या कोई भी नंबर आप बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 39 हम ले रहे हैं, 39 में से इटसेल्फ मतलब इसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 39 माइनस 39 आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे ये जीरो आता है, ये रूल है इसका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे तो 296 माइनस इटसेल्फ मतलब 296 करेंगे तो आपका जीरो आएगा। तो आप सेकेंड रूल प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन का सेकेंड रूल भी आप समझते होंगे कि किसी नंबर में से यदि इटसेल्फ वही नंबर को हम माइनस करें तो जो आपका डिफरेंस आता है वो हमेशा आपको जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे नंबर कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा क्यों हो। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। आइए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल यह है कि जैसे छोटा क्वेश्चन से हम देखते हैं 5 माइनस 2 ये करेंगे तो आपका क्या आएगा, डिफरेंस 3 आएगा। अब ये जो है माइनस होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है
और एक डिफरेंस होता है, तो हम जो है सबका हैंड और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, ये रूल आपका तीसरा बताता है सब्ट्रैक्शन में कि अगर आप सब्ट्रैक्ट मतलब इसको यहां से लेकर के इसको मतलब टू और थ्री जो सब्ट्रैक्ट है और डिफरेंस है उसको ऐड करने पर आपको माइनस आंसर आएगा। देख लीजिए यहां पर जैसे टू प्लस थ्री हम करेंगे तो क्या आएगा फाइव आएगा, तो फाइव क्या है हमारा ये ऊपर माइनस है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को ऐड करने पर आपको माइनस मिलेगा। ठीक ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए टेन माइनस थ्री है तो आपका ये जो डिफरेंस आएगा सेवन आएगा। ठीक है, तो आगे अगर देखेगा इसके कि थ्री प्लस सेवन इक्वल क्या होगा तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत राइट हैंड लिख देंगे। क्यों जो क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है और ये आपका डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस का ऐड करने पर आपका माइनस मिलेगा, ये रूल आपका बताता है। थर्ड रूल यही बताता है कि सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को ऐड करने पर जो नंबर आता है वो आपका माइनस आता है। ठीक है, तो इसके तीनों रूल का यूज करते हुए आप जो है इसमें का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 33 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 33 ऐसे सीओ सिर्फ आपको दिया है। ये यहां पर नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, जैसे लिखा है फाइव माइनस ए का वन देखते हैं, फाइव माइनस जीरो इक्वल, अभी आपको प्रॉपर्टी वन में बताया गया था किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर है जो आपका डिफरेंस आता है वो एक से मतलब वही नंबर आता है, तो यहाँ फाइव तुरंत लिखेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरीके से आप जो है आप इसको फिल करने लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन जैसे है, देखिए यहाँ पर 30 माइनस 30, तो अभी बताया गया आपको किसी भी नंबर में से एक से मतलब स्वयं वही नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो आपका डिफरेंस आता है क्या आता है जीरो, तो जीरो आप जो है उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप जो है उसको फिल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, इसमें जितना है केवल प्रॉपर्टी का यूज है। और क्वेश्चन नंबर भी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अभी ऐसा क्वेश्चन आपने बताया, देखिए बड़ा क्वेश्चन है पर 146 माइनस 111 इक्वल 35, यहां पर आपको दिया है, आपको फिल क्या करना है, यहां लिखा है एंड 35 प्लस 111 इक्वल, यहां पर फिल करने के लिए दिया है, आप क्या फिल करेंगे। अभी आपको प्रॉपर्टी थर्ड बताएगा कि कोई भी सब्ट्रैक्शन आपको दिया है उसमें माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। अब दूसरे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्ट है इसको आप इसको डिफरेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्ट है, तो आप उधर क्या लिखेंगे।